नवरोज़ ईरानी नया साल जो मौसम बहार के आगाज़ की अलामत है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ पारसी बरादरियों के दरमियान बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। लफ्ज अब का मतलब नया और रोज़ का मतलब है दिन, जिसका तर्जुमा नया दिन है। नवरोज़ शमसी हिजरी कैलेंडर के पहले महीने के आगाज़ की निशानदही करता है और आम तौर पर आलमी सतह पर 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छे काम करने और अच्छे अल्फाज कहने के लिए एक अहम दिन समझा जाता है। लोग अपने घर साफ करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और इस त्यौहार पर अपने ख़ानदान और दोस्तों के लिए एक वसी और लजीज खाना पकाते हैं। नवरोज़ बहुत से ममालिक में मनाया जाता है, जिनमें ईरान, इराक, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के कुछ हिस्सों जैसे अहम फ़ारसी सकाफती असरात हैं। नवरोज़ इराक और तुर्की में करों के साथ साथ बरसग़ीर पाक व हिंद में ईरानियों, शिया और पारसियों की तरफ से मनाया जाता है। नवरोज़ अमेरिका और यूरोप में भी मनाया जाता है, बशमूल निक्स, टोरंटो, बोलोन और लंदन में। ईरानी कम्युनिटीज़ एरिज़ोना में नवरोज़ को फारसी नए साल के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। नवरोज़, जिसे नो रोज़ भी कहा जाता है, एक ऐसा जश्न है जो मौसम बहार के पहले दिन को मनाया जाता है। की जड़ें ईरान के कबल इस्लाम मजहब ज़रदश्ती में हैं और 3000 साल कबल कदीम मशरक वस्ती के पेशतर हिस्सों में मनाया जाता था। दुनिया भर के लोग मग़रबी एशिया और कफकाज से लेकर वस्ती एशिया और जनूबी एशिया तक शमूल पाकिस्तान नवरोज़ को 13 दिनों तक मनाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जल्द आपको मिल जाए।